आज बताऊंगा पाइस मनी, और जो बंदा बैंकिंग सिस्टम में इंटरव्यू रखते हो और कैसे बैंकिंग पोर्टल और एक CSP लेके अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हो, और इसमें क्या सर्विस है और सब कुछ बताऊंगा। आज बताऊंगा जो DM रिटेलर का सर्विस क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटर कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे एक रिटेलर ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, पहले पाइस मनी कंपनी का तरफ से एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट में जाता हूँ, ठीक है। में मूव टू बैंक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार दुकानदार अपनी दुकान पर बैठे बैठे अपनी मासिक आमदनी बढ़ा सकते हैं। ABS सर्विस अपनाए, कैश विड्रॉल करवाए, मिनी बैंक बन जाए। स्पाइस मनी के एजेंट यानी कि दुकानदार या रिटेलर अपनी दुकान पर आए ग्राहकों का कैश विड्रॉल करने में मदद करते हैं। किसी भी बैंक खाते से स्पाइस इसमें पाइस मनी इलेक्ट्रिक बिल कोई भी रिचार्ज कर सकते हो, और किसी को जो माइंत्रा का डिवाइस है वो चाहिए तो मेरे कमेंट करना, 2500 रुपया पड़ेगा पर डिवाइस के लिए, ठीक है। और 1 ईयर के लिए डेंटल फ्री रहेगा, ठीक है। और पाइस मनी इम्पोस चाहिए तो मेरे को कॉल करना, मैं दूंगा और रिटेलर आईडी भी दूंगा, ठीक है। और QR से पेमेंट ले सकते हो और उसके बदले कमीशन भी मिल जाए। और ए आईडी के लिए क्या क्या भेजना होगा, आधार कार्ड, बोथ साइड, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, बैंकिंग पासबुक और वीडियो के आई सी बोलना होगा, मेरे नाम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद बोलना होगा मैं पाइस मनी से जोड़ना चाहता हूँ, और उसके बाद ही वीडियो ख़त्म करके वीडियो भेजना होगा, सेल्फ कैमरा ऑन करके। वह कोई भी तुम्हारा फ्रेंड वीडियो कर सकते हो, ठीक है। अभी दिखाता हूँ जो कैसे एक बंदा सब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे एक रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पहले PDF दिखा देता हूँ, उसके बाद एक वीडियो दिखाता हूँ। जब ओपन करोगे मनी ट्रांसफर में, ओपन एजेंट डैशबोर्ड देख रहा है स्क्रीन पर, उसके यह क्या क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो होगा एजेंट होम, ठीक है। उसके बाद एजेंट साथ कर सकते हो, एजेंट का मोबाइल नंबर दे के बाद न्यू एजेंट में क्लिक कर सकते हो और कंटिन्यू प्रोसेस में क्लिक कर सकते हो। जो PDF में दिया था सेम तरह का गूगल में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टाइप करना होगा प्राइस मनी, ठीक है। और ID, उसके बाद पासवर्ड देना है, पासवर्ड में स्किप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन फिर ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो मनी ट्रांसफर न्यू एजेंट डैशबोर्ड, ठीक है। न्यू एजेंट के जाने के बाद यहाँ पर होम एजेंट में क्लिक करना होगा, ठीक है। और उसके बाद दिखा रहा है एक्टिव, ठीक है। यहाँ पर एजेंट में क्लिक करना होगा, नो डाटा दिखा रहा है, और जो दिखा रहा है एजेंट MMS ID, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना होगा, प्रॉब्लम हो रहा है, हो गया। उसके बाद ठीक है CSP चालान आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर का कोड आ गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का नेम, सब डिस्ट्रीब्यूटर का नेम नहीं आएगा। और उसके बाद इंडिविजुअल, उसके बाद जो जो होगा, ठीक है, कस्टमर का होगा, रिटेलर होगा, बाद बैंकिंग BC होगा,
मनी का, उसका नाम, उसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, ईमेल, और उसके बाद हैंडीकैप और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, पैन नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, उसके बाद कैटेगरी जो कैटेगरी है, उसके बाद बैंक नेम, बैंक कोई भी जो बैंक होगा वही बैंक देना होगा, उसके बाद सेल्फ और करंट, ठीक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, पेमेंट डेट, जो डेट में पेमेंट किया, एक सब डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को कब जो डेट में पेमेंट किया वो डेट देना होगा, उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर 300 रुपया देना होगा, ठीक है, और उसके बाद पेमेंट डिक्लेयर देना होगा, ठीक है, और बोथ लैपटॉप डिवाइस, ठीक है, मोबाइल, ठीक है, मंथली ये कितना, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना होगा, जो पेमेंट ये नहीं किया वो नहीं दिखा रहा है, अभी मेरे पास एक वीडियो है वो वीडियो दिखा देता है, एजेंट नाम दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद शॉप का नेम, ठीक है, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांग रहा है, क्वालिफिकेशन जो जो है, IIBA एग्जाम है ना नहीं है, ठीक है, सब कुछ, और उसके बाद फ़ोटो डालना है, ठीक है, फोटो देने के बाद इस तरह का सबमिट करना है, सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद, सबमिट करने के बाद सब कुछ हो जाएगा, जो जब तुम्हारा KYC सब कुछ कंप्लीट होगा, तुम्हारा मोबाइल पे एक OTP जाएगा, तो OTP तुम्हारा मोबाइल पे एक ID पासवर्ड का कंपनी से मैसेज आएगा जो तुम्हारा डिटेलर एक्टिव हो गया। किसी को पाइस मनी का रिटेलर ID और सब डिस्ट्रीब्यूटर ID चाहिए तो मेरे कॉल करना, फिनो का ID भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, RNFI डिस्ट्रीब्यूटर, पन्ना डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ID भी प्रोवाइड करता हूँ, और पेनियर बाई और ऑनगो का ID प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी को ID चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, कॉल करना व व्हाट्सअप करना, जो नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर, वही से कॉन्टैक्ट करना, और किसी को ID चाहिए तो कॉल करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।